हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ, रगड़ा। ये रगड़ा रेसिपी हर एक किसी को पसंद आती है, हर कोई इसे खाना पसंद करता है। और ये रेसिपी आती होगी, जो भी लोग देख रहे हैं उन लोग को सबको आती होगी, बट मैं अपने तरीके से रगड़े की रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पीले बटाने लिए, इसको 7 से 8 घंटे मैंने भिगा के रखी। और एक आलू लिया है, इसका मैंने छिलका उतार ली, चाहे तो आप छिलका रख सकते हो उसका। और सिर्फ मुझे इसको बॉईल करने का, बाद में बॉईल करने के बाद भी मुझे उसका छिलका उतारने का ही है, तो मैंने पहले उसका छिलका उतार के ली। यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर ली। यहाँ पे प्याज ली मैंने, 2 बड़े प्याज थे मैंने उसको ली। प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आधा नींबू ली और यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च ली, अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ली मैंने। और यहाँ पे ये धनिया पत्ती, और ये यहाँ पे मैंने ये क्या बोलते हैं उसको, लगा के रखी थी। और उसको अच्छे से हाथ से मसल मसल के उसको, और यहाँ पे ये सूखे मसाले में थोड़ी सी हल्दी, और यहाँ पे ये गरम मसाला है, और ये यहाँ पे चाट मसाला, और ये नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर। बस इतना ही लगता है, स्वाद के अनुसार थोड़ा थोड़ा लगता है। और यहाँ पे मैंने ये पानी ली बॉईल करने का, अभी मुझे ये बटाना, तो ये मेजर के हिसाब से मैंने पानी ली, ये ग्लास है, ये मैंने 2.5 गिलास मैंने पानी ली। अब देखती हूँ कितना पानी उसके अंदर जाता है बॉईल करने के लिए। और ये रगड़ा चटपटा बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग बने रहिए, बिना स्किप करिए वीडियो को, देखना कि मैं किस तरीके से रगड़ा बना रही हूँ। आती होगी बहुत से लोगों को, फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये मेरे तरीके की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर भी चढ़ा दी गरम करने के लिए जब तक, और अभी चलो रेसिपी की तरफ। अभी इस प्रेशर कुकर में मैं ये बटाने ऐड कर दी, ये बटाने में ऐड कर दी। अब इसके अंदर ये आलू है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी ताकि दोनों अच्छे से गल जाए। और ये जो पानी मैंने रखी थी, अब देखती हूँ कितना पानी लगता है, उस हिसाब से ऐड कर दी मैंने इससे पानी। ये मैंने 2.5 गिलास के आसपास करीब पानी था, मैंने उस पानी को भी ऐड कर दिया। और ये रमज़ान स्पेशल है ये रगड़ा। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ही टमाटर ऐड करूँगी, एकदम थोड़ा सा, बाकी मैं गार्निश के लिए रखी हूँ। और थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर रही, थोड़ा इसमें हल्दी की, रगड़ा हम लोग का करी और स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करने का। अब जितना जैसा नमक खाते हो उस हिसाब से आप। अभी यहाँ पे रगड़ा गल के तैयार है, अच्छे से बटाने गल गए, आप लोग देख सकते, छिलका अलग हो गया। और मैंने इसको पतीले में निकाल के ली ताकि कुकर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, और मैंने गैस को पूरा स्लो करके रख दी। और ये इसके अंदर मैंने जो इमली का जो पानी निकाल के रखी थी ना, उसको मैंने ऐड कर दी पूरा। अब मैं इसके अंदर पूरा प्याज ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही गार्निशिंग के लिए रखूँगी मैं, और ये टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर ये ऐसी स्लो गैस पे मैंने उसको पकाने के लिए रख दी, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट तक के लिए। और टमाटर भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और जैसे आप लोगों को बताई है, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर ऐड करी इसमें 2 बार करके। और स्वाद के अनुसार नमक डालना याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने बॉईल करने के टाइम पे भी उसमें नमक ऐड करे थे। फिर इसके बाद ये चाट मसाला मैंने थोड़ा सा ऐड कर दी, 2 बार करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी, मतलब आधा चम्मच। और यहाँ पे ये आधा चम्मच गरम मसाला मैंने ऐड कर दी, और फिर इसको अच्छे से हिलाऊंगी। ये कोरिएंडर लीव, मतलब ये धनिया पत्ती, और ये हरी मिर्च है ना, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाऊंगी। और अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं सर्व करके, एक बाउल में निकाल दी मैं, और उसके ऊपर देखो मैं गार्निशिंग करूँगी, प्याज थोड़ा गार्निश करूँगी जो मैंने बचा के रखी थी, और ये टमाटर है उसको भी मैं गार्निश करूँगी, और ये कोरिएंडर लीव धनिया पत्ती, और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैं उसको गार्निश करूँगी, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, और चाट मसाला, और सबसे मेन चीज़ नींबू,
हाँ लास्ट में जब हम लोग खाते हैं ना उस टाइम इसमें नींबू ऐड कर देने का, उसका स्वाद ना बहुत दुगना हो जाता है। और ये रमज़ान के इफ्तारी की जान होती है रगड़ा बोले तो। रगड़ा बोले तो हर किसी के मुंह में पानी आता है। और आप लोग देख सकते हैं फाइनली लुक इसका कितना बन के तैयार है और बहुत गजब का बनाता है ये। प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखना, टेक केयर, बाय।